बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने फिफ्थ क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका चैप्टर नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 5 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो यहां पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 6 है, रोशनी और आवाज, यानी लाइट एंड साउंड। तो यहां पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि रोशनी हवा में कैसी सफर करती है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी रोशनी हवा में सीधी लाइन पर सफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट यानी मुनाकिस करता है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिरर, यानी आईना, यानी मिरर सबसे ज्यादा रोशनी को मुनाकिस यानी रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एन। यहां पर इस सवाल में कहते हैं आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा किस में होती है। यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेटल वायर, यानी दाती तार में आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने यह भी याद रखना है, आवाज तवानाई की एक किस्म है जो वेव्स की शक्ल में सफर करती है। आवाज वाइब्रेशन की वजह से पैदा होते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो इन पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होती है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड नॉइस। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी आवाज शोर कहलाती है। यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेशर हॉर्न, यानी प्रेशर हॉर्न की आवाज शोर कहलाती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने यह भी याद रखना है कि ऐसी आवाज जो कानों पर नाखुशगवार असर पैदा करे शोर कहलाता है। तो यहां पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर। यहां पर इस सवाल में कहते हैं अगर हवा में चलती हुई आवाज के रास्ते में पानी आ जाए तो यहां पर इस आवाज की रफ्तार किस तरह होगी। यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, साउंड विल बिकम फास्ट। यहां पर इसमें कहते हैं अगर हवा में चलती हुई आवाज के रास्ते में पानी आ जाए तो इस इफेक्ट की वजह से आवाज की रफ्तार तेज हो जाएगी। यहां पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।